देखा जा सकता है, बस तो हर कोई इजली गेन कर लेता है, लेकिन असली दिक्कत आती है 4000 वाउचर कंप्लीट करने में, क्योंकि ये कंप्लीट किए बिना आपको यूट्यूब के सभी मोनेटाइजेशन फीचर नहीं मिलते हैं। और जो यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पे क्रिएटर्स की जनसंख्या बढ़ाने के लिए और नए क्रिएटर्स को लालच देने के लिए नई यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी निकाली तो थी, जिसकी वजह से आपको 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वाउचर में सुपर चैट और मेंबरशिप जैसे फीचर मिल जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम में ऐड होने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वाउचर चाहिए ही चाहिए, या फिर अपने शॉर्ट्स पे 10 मिलियन व्यूज चाहिए, वो भी 90 दिन के अंदर। अब ये शॉर्ट वाला क्राइटेरिया कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है, अंटिल आप कुछ ज्यादा ही यूनिक ना कर रहे हो, इसलिए हम 4000 वाउचर को कंप्लीट करने पे ही फोकस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 4000 वाउचर आप सिर्फ 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि मैं फेंक रहा हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि 4000 एक बहुत ही बड़ा नंबर है, बट रियलिटी ये है कि ये उतना बड़ा नंबर भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, बल्कि आप लोगों की वाउचर को लेकर अप्रोच ही गलत है, जिसकी वजह से आप 1-2 साल हो जाने के बाद भी इस क्राइटेरिया को कम्प्लीट नहीं कर पाते। आपको 4000 वाउचर के पीछे तो भागना ही नहीं है, बल्कि आपका असली टारगेट कुछ और होना चाहिए, और आपका असली टारगेट क्या है वो समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी मैथ की हेल्प लेनी पड़ेगी। वाउचर हम लोगों को व्यूज से मिलते हैं, तो एक बार इसका हिसाब लगाते हैं। 4000 वाउचर को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं 2,40,000 मिनट, और एक यूट्यूब वीडियो पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन आराम से 2 मिनट की आ ही जाती है, तो अगर हम 2,40,000 को 2 से डिवाइड करें तो ये बनते हैं 1,20,000, और यही है आपका असली टारगेट, 1,20,000 व्यूज बस। और 120 के व्यूज तो तब जब आपको 2 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिल रहा है, लेकिन अगर आपको अपनी वीडियो से 5 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिल जाए तो आपको बस 48 के व्यूज लाने हैं, सीधा 60% कम। नाउ आई नो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये 5 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन कैसे निकलेगा, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वीडियो की लेंथ को इंक्रीज करके। मुझे मेरी 10 से 12 मिनट वाली वीडियोस में सिर्फ 3 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिलता है, वही जो मेरी वीडियोस 20 मिनट से ज्यादा की होती है उनको मुझे एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिलता है 4 से 5 मिनट तक का। ऑल्दो एवरेज व्यू ड्यूरेशन के इंक्रीज होने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि वीडियो का टॉपिक, लेकिन एक फैक्टर जो कि मेजर रोल प्ले करता है आपके एवरेज व्यू ड्यूरेशन में, वो है क्वालिटी कंटेंट। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी वीडियो में टारगेट 48 के व्यूज ना लेके 120 के व्यूज लेके ही चलूंगा, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी 5 मिनट की जगह 2 मिनट ही लेके चलूंगा, ताकि वीडियो हर तरह की नीश के क्रिएटर्स के लिए यूजफुल रहे। नाउ इससे पहले कि मैं आपको वो 5 स्ट्रेटेजीज बताऊं जिससे आप 120 के व्यूज गेन कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड भी दे देता हूं कि कैसे आप अपने एवरेज व्यू ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े। जैसा कि मैंने कहा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए आपको चाहिए क्वालिटी कंटेंट, और क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 फैक्टर्स के ऊपर वर्क करना है, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी एडिटिंग और अच्छी इन्फॉर्मेशन। लेकिन इन तीनों फैक्टर्स के अंदर सब फैक्टर्स है जो कि एक्चुअल में कंटेंट को अच्छा बनाती है। शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्टर से जो कि है स्क्रिप्ट। एक बार कोई बंदा आपके टाइटल और थंबनेल को देख के उस पे क्लिक कर दे, तो उसके बाद उस बंदे का दिमाग जो सबसे पहली चीज पकड़ेगा वो ये होगा कि क्रिएटर आखिरकार बोल क्या रहा है, और स्टार्टिंग के 15 सेकंड में जो आप बोलेंगे उसी के बेसिस पे वो बंदा डिसाइड कर लेगा कि आगे की वीडियो देखनी है या नहीं। ये स्टार्टिंग के 15 सेकंड को हम हुक बोलते हैं, और यही किसी भी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, इसलिए बड़े यूट्यूबर्स भी स्टार्टिंग में हुक लिखने के लिए काफी दिन लगा देते हैं। वही आप लोग क्या करते हो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सबसे वर्स्ट भी होता है किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने का, लोगों का अटेंशन स्पेंड काफी ज्यादा गिर चुका है, इसे आपको मेक श्योर करना है कि आप ऑडियंस के माइंड सेट के अकॉर्डिंग वर्क करो। लेकिन अब सवाल आता है कि एक अच्छा हुक या इंट्रो कैसे लिखे, तो आपका इंट्रो और आपका हुक काफी ज्यादा डिपेंड करता है आपकी नीश के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अगर टेक नीश में है, या फिर वो टिप्स एंड ट्रिक्स नीश में है, या फिर वो चैलेंज वीडियोस बनाता है, तो वो बहुत ही इजीली पे ऑफ कॉन्सेप्ट का यूज कर सकता है, और 70% प्रॉमिस के साथ वो काम चला सकता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी पिछली वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आप लोगों ने उसे मिस कर दिया तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिकैप दे देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप स्टार्टिंग में कुछ इम्पॉसिबल से या कुछ बहुत ही अमेजिंग प्रॉमिस करते हो अपनी ऑडियंस से, और लेटर ऑन वीडियो में उसको पूरा करके दिखाते हो, लेकिन नॉट एग्जैक्टली जिस तरह आपने प्रॉमिस किया था, बल्कि थोड़े से लूप होल्स निकाल के। मिस्टर बीस अपनी वीडियोस में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करता है, इसलिए उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन काफी ज्यादा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर एक नीश में नहीं चल सकता, इसलिए एक एवरग्रीन एलिमेंट है जो कि आपकी हुक को अल्टीमेटली बेटर बना देगा। वो एलिमेंट है क्यूरियोसिटी एंड रिलेटेबिलिटी। अगर आपका एजुकेशन चैनल है, या फिर व्लॉगिंग चैनल है, या फिर किसी और नीश का चैनल है, तो आपको बस वीडियो की स्टार्टिंग में एक रिलेटेबल बात बोल देनी है, लाइक क्या भी एक नीट के स्टूडेंट है और आपके साथ भी स्कैम हुआ है, और जब आप एक रिलेटेबल बात बोल दे उसके बाद आपको बताना है कि उनको वीडियो में आगे क्या देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे भारत की सरकार की लापरवाही की वजह से 3 मिलियन बच्चों का भविष्य बदल गया, और ये करने के बाद आपको सीधा कहानी स्टार्ट नहीं कर देनी है, या फिर इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट नहीं करना है। ये चीज के लिए लोगों ने आपकी वीडियो पे क्लिक किया है, मेक श्योर उस चीज को आप वीडियो के एंड पार्ट में प्रोवाइड करो, पूरी वीडियो के दौरान उसकी तरफ बढ़ते रहिए धीरे धीरे, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड में प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टार्टिंग के 30 सेकंड में जो आपकी ऑडियंस फॉल होती है वो बहुत ही कम हो जाएगी, विच मीन ज्यादा लोग आपकी वीडियो ज्यादा देर तक देखेंगे, विच विल ब्रिंग हाई एवरेज व्यू ड्यूरेशन। लेकिन सिर्फ हुक से काम नहीं चलने वाला है, पूरी स्क्रिप्ट ही अच्छी होनी चाहिए, और स्क्रिप्ट लिखने का एक तरीका होता है
जो कि बहुत ही डिटेल में मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है। तो मेक श्योर ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपकी मेहनत कम लगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंटेंट व्हिच इज एडिटिंग। एडिटिंग कितना ज्यादा रोल प्ले करती है वीडियो में ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे खुद की वीडियो से आधे से ज्यादा ऑडियंस ऐसी है जो कि मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेने नहीं आती बल्कि बस एडिटिंग देखने आती है। तो आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी हुई तो लोग आपकी वीडियो ओपन करते ही भूल जाएंगे कि उन्हें कुछ और काम भी था और वो आपकी 20 मिनट की वीडियो खत्म होने तक वहीं बैठे रहेंगे। लोगों को अच्छा अच्छा देखने की आदत हो गई है क्योंकि क्रिएटर की पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। अब हर नीश के अकॉर्डिंग एडिटिंग अलग स्टाइल की जाती है लेकिन हर नीश में एक लेवल ऑफ एडिटिंग होती है जो सबको पसंद आती है। फॉर एग्जांपल ट्रैवल ब्लॉग में सिनेमैटिक ब्लॉग चलते हैं, कुकिंग ब्लॉग में ASMR कुकिंग चलती है, एजुकेशन में 3D डॉक्यूमेंट्री स्टाइल चलता है लाइक 9S मीडिया और सेल्फ इंप्रूवमेंट और फाइनेंस में मोशन ग्राफिक्स चलते हैं। आपको बस अपनी नीश की टॉप लेवल एडिटिंग पता करनी है और ट्राई करते रहना है कि आप उस लेवल की एडिटिंग को टच कर सके। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हुए तो आपका वॉच टाइम लाने का आधा काम तो यहीं से हो जाएगा। बट अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, आपकी एडिटिंग भी अच्छी है लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन ही अगर बेकार है तो समझ लीजिए आपने बिरयानी के बीच में इलायची डालने वाला काम कर दिया। लोगों को ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए और ये तभी प्रोवाइड कर सकते हो जब आपको पता होगा कि ऑडियंस की पर्सपेक्टिव से कैसे सोचा जाता है। आप लोग हमेशा अपनी वीडियोस में वो बताते हो जो आपको पता है लेकिन ऑडियंस कभी उस चीज की आई ही नहीं होती है। ऑडियंस आई होती है वो जानने के लिए जो उनको नहीं पता है और उनको क्या नहीं पता है ये आपको तब पता चलेगा जब आप कीवर्ड रिसर्चिंग करोगे, अपने कंटेंट के लिए मटेरियल इकट्ठा करोगे और मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज रखोगे। सप्लाई उसी चीज की करो जिसकी डिमांड है। अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हो जो कि सर्च ही नहीं किए जा रहे या जिसको जानने में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपका काम काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। बट अब क्वेश्चन आता है कि सही टॉपिक कैसे ढूंढे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे निकाले और उसको सही तरह से स्क्रिप्ट में कैसे डाले। तो इन सब का आंसर मैंने हाउ टू बिकम यूट्यूबर प्लेलिस्ट में दे रखा है। आपको मेक श्योर करना कि आप उसे भी देख लें क्योंकि इस वीडियो के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। नाउ एक बार आपने अपने कंटेंट की क्वालिटी बढ़ा ली तो आपको सिर्फ 48 के व्यूज लाने हैं जो कि खुद ही आ जाएंगे क्योंकि आपने मेहनत की होगी अपने कंटेंट में। बट आई एम अज्यूमिंग कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे और कुछ गड़बड़ कर दोगे लेकिन स्टिल डोंट वरी। अब मैं आपको 5 स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 4000 वाचार कंप्लीट करने में आपको सिर्फ मुश्किल से 1 महीना लगेगा। और इन स्ट्रेटजीज में सबसे पहली स्ट्रेटजी है कैचिंग द ट्रेंड। देखिए आपके चैनल के बहुत सारे कंप्लीट ना होने के पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है, व्यूज ना आना। और व्यूज लाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है ट्रेंड को पकड़ना। अब ट्रेंड को पकड़ने के दो तरीके होते हैं जो कि आपकी नीश पे डिपेंड करेगा। अगर आप किसी ऐसी नीश में है जो कि ट्रेंडिंग न्यूज या फिर वायरल मीम या फिर किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर कंटेंट बना सकता है बिना अपने नीश को ब्रेक किए तो आपके तो मजे ही मजे हैं। कुछ ऐसी नीश जो ये काम कर सकती है वो है रोस्टिंग चैनल्स, एजुकेशन चैनल्स, व्लॉग चैनल्स या रिएक्शन चैनल्स। आप लोगों के लिए काम बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन अगर आप किसी और नीश में हो जैसे कि मेरी नीश तो आपको दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा जो कि है ट्रेंड जैकिंग। आपको अपनी नीश से रिलेटेड टॉपिक वीडियो या फिर बंदे से रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए जैसा कि मैंने किया था डिकोडिंग वाइटी एल्ग्रो और डोग वाइटी के ऊपर वीडियो बनाकर। आप अगर जल्द से जल्द वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं तो बेस्ट यही होगा कि आप वो प्रोवाइड कीजिए जो ऑडियंस देखना चाहती है। हो सकता है आपके पास खुद का कंटेंट हो जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक हो और आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि वो वर्क करेगा लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं हमेशा एक्सपेरिमेंटल ही रहेगी क्योंकि जब आप एक नया चैनल स्टार्ट करते हो तो यूट्यूब मिनिमम 3 महीने तो लेता ही है आपको सही तरह से इंप्रेशन देने के लिए और आपकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस को पकड़ने के लिए। लेकिन यूट्यूब का ये प्रोसेस फास्ट करवाया जा सकता है अगर आप सीधा ट्रेंड को ही पकड़ लो तो। आपको बस 20 से 24 वीडियोस बनानी है ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर या ट्रेंडिंग बंदे से रिलेटेड और आपका काम हो जाएगा। और जरूरी भी नहीं है कि ये वीडियोस कोई बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी वीडियोस हो लेकिन आई नो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 20-24 वाला नंबर आया कहाँ से। तो चिंता मत कीजिए मैं अभी समझा देता हूँ। अगर आपने किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे सही SEO और थंबनेल के साथ वीडियो अपलोड करी है तो आपको मिनिमम 5000 व्यूज तो आएंगे। डजंट मैटर की वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसी है, आपको बस ध्यान रखना है कि वीडियो 10 मिनट के आसपास की हो। नाउ अगर आपको 120 के व्यूज चाहिए और आपको हर वीडियो पे 5 के व्यूज आ रहे हैं तो 20 से 24 वीडियो में आपका काम हो जाएगा। और ये 20 वीडियोस का नंबर मैं सिर्फ थ्योरेटिकली दे रहा हूँ, असल में अगर आपने 10 से 15 वीडियो की भी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली वो भी पहले महीने में तो उनमें से एक वीडियो फॉर श्योर 5000 से ज्यादा व्यूज लेके ही आएगी और वो चीज आपके प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देगी। अब मैं वैसे तो हमेशा अपनी वीडियोस में क्वालिटी पे फोकस करने के लिए कहता हूँ बट अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो इस बार मैं आपको क्वालिटी की जगह क्वांटिटी के साथ खेलने के लिए कहूंगा। लेकिन हाँ अगर आपके अंदर 3 महीने का पेशेंस है तो अगेन मैं सेम चीज कहूंगा कि क्वालिटी के ऊपर वर्क कीजिए, आपको 3 महीने के अंदर ग्रैंडेड सक्सेस मिलेगी मिलेगी। और ये तो था एक तरीका महीने भर के अंदर 4000 वॉचर कंप्लीट करने का। अब दूसरे तरीके पे आते हैं जो कि है प्लेलिस्ट। अब एक बार आप लोग मेरे चैनल के स्टैट्स देखिए, ये मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें लगभग 9 वीडियोस है और लास्ट 28 डेज में मैंने सिर्फ एक ही वीडियो ऐड करी है इस प्लेलिस्ट के अंदर लेकिन स्टिल इस प्लेलिस्ट के थ्रू मुझे 12000 व्यूज आए हैं और 1000 घंटे का बहुत सारा भी कंप्लीट हुआ है। और ये तब हुआ है जब मेरी प्लेलिस्ट में कोई भी चीज ऑर्डर वाइज नहीं लगी हुई है और मेरी हर एक वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक्ड नहीं है। ना आप इमेजिन कीजिए अगर आप अपने कंटेंट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाते हैं जहाँ प्रीवियस वीडियो की पार्ट आगे लाते जाते हैं और उनको एक ऑर्डर वे में सेट कर देते हैं और साथ ही जो आपने प्लेलिस्ट बनाई है वो लोगों की डिमांडेड प्लेलिस्ट
लिस्ट है तो क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर आप एक महीने के अंदर 10 वीडियो की प्ले इस्तेमाल लेते हैं जिसमें मान के चलते हैं कि आपको हर वीडियो पे 10,000 रिटर्निंग व्यूज आ रहे हैं, तो आपको एक महीने के अंदर 100 के व्यूज गेन हो जाएंगे, जिनका एवरेज ड्यूरेशन अगर हम 3 मिनट लेके चले तो आपके 5,000 वाउचर कम्प्लीट हो चुके होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये 10,000 रिटर्निंग व्यूज कैसे लाएं और साथ ही 3 मिनट के एवरेज ड्यूरेशन कैसे पाएं। तो डरिए मत, मैं अभी बताता हूँ। आपको कोई एक चैलेंज फॉलो करना होगा, जैसे कि 75 डे चैलेंज या फिर मेकिंग 10 लाख्स इन 1 मंथ चैलेंज या फिर कुछ भी ऐसा। इससे होगा क्या कि आपकी पहली वीडियो की वायरल होने के चांसेस 50% बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो जो भी लोग आपकी पहली वीडियो देखेंगे वो एक सफर में कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ। इस केस में आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छी वैल्यू और अच्छी वीडियो क्वालिटी देनी ही पड़ेगी। नाउ जो भी लोग आपकी जर्नी में आपको देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी पूरी वीडियो देखा करेंगे। और अगर आपने स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग भी ठीक रखी होगी तो आपको बहुत इजीली 3 मिनट का एवरेज ड्यूरेशन तो मिल जाएगा। डजंट मैटर कि आपकी नीड क्या है, आप इजीली कोई भी चैलेंज फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉगर है तो आप विजिटिंग 28 सिटीज इन 28 डेज कर सकते हैं। अगर फूड ब्लॉगर है तो ट्राइंग 28 रेस्टोरेंट्स इन 28 डेज कर सकते हैं। या फिर टेक नीच के अंदर है तो 28 कूल गैजेट्स इन 28 डेज कर सकते हैं। या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स नीच में हो मेरी तरह तो कोई भी चीज के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई जा सकती है, लाइक ग्रोइंग फ्रॉम 0 to 100 के इन 28 डेज या समथिंग लाइक दैट। आइडिया की कमी नहीं है, अब तो आइडिया आपको ChatGPT भी दे देगा। पॉइंट ये है कि अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ के न्यू व्यूज नहीं ला सकते हैं तो प्लेलिस्ट बना के रिटर्निंग व्यूज बढ़ा लीजिए। और इस तरह के चैलेंजेस की अच्छी बात ये होती है कि अगर आप इसमें फेल भी हुए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था, बल्कि आपके पास और कंटेंट के आइडिया मिल जाएंगे, जैसे कि व्हाट आई डिड रॉन्ग इन माय 28 डे चैलेंज या व्हाट आई लर्न्ड इन माय 28 डे चैलेंज या फिर समथिंग लाइक दैट। और अगर आपने थोड़ी सी पेशेंस ली तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 3 महीने इस तरह के एक चैलेंज को कंटिन्यू रखना। स्टार्टिंग में भले ही व्यूज ना आए लेकिन आखिरी मंथ में एक मैजिक होगा और आपको सडन ग्रोथ दिखेगी। यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इसी तरह वर्क करता है। अब आपने रिटर्निंग व्यूज लाना भी सीख लिया और यूनिक व्यूज को कैसे लाना है वो भी सीख लिया अपने वाउचर को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो हमने अभी सीखा है ये काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आपने अपने डाटा को पढ़ना सीख लिया तो। और वही हमारा तीसरा पॉइंट है, एनालिटिक्स। किसी भी सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सच है डाटा, और जो डाटा कह रहा है उसे समझो और वही करो तो तुम्हारा काम खुद ब खुद सोशल मीडिया ही कर देगा। और यूट्यूब की ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डाटा प्रोवाइड करता है। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, जो चीज सोशल मीडिया पे पहले वर्क कर चुकी है वो दोबारा वर्क जरूर करेगी। लेकिन अब आपको कि इस चीज का डाटा यूट्यूब कहाँ प्रोवाइड करता है, तो जवाब है प्रोवाइड करता है। आपको सबसे पहले अपने एनालिटिक्स में जाना है यूट्यूब स्टूडियो के, और फिर कंटेंट वाले टैब में जाके हाउ व्यूज फाइंड योर वीडियोस पे जाना है। यहाँ पे आपको यूट्यूब सर्च वाले आइकन पे आना है एंड यू विल गेट ऑल द कीवर्ड्स ऑन विच योर वीडियो एंड चैनल इज रैंकिंग। अब जो कीवर्ड्स आपके चैनल के लिए पहले से वर्क कर रहे थे, अगर आप उन कीवर्ड्स के ऊपर और वीडियो बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो वीडियो चलेंगी और आपको और भी ज्यादा व्यूज मिलेंगे, क्योंकि लोग आपको ढूंढ ही उस कीवर्ड की वजह से पा रहे हैं। जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हैं, मेरे चैनल नेम के बाद यूट्यूब ऑटोमेशन और कैपकट वीडियो एडिटिंग की वजह से लोग मुझे ज्यादा ढूंढ पा रहे हैं। और जब भी मैंने इन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है तो आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। आपके पास अगर पुराना चैनल है जिसका थोड़ा सा कंटेंट डला हुआ है तो आपके पास ये डाटा भी होगा। और बाय चांस अगर आपका चैनल टोटली नया है तो आई विल प्रेफर कि आप पैनचेकिंग का ही इस्तेमाल करें। तो एनालिटिक्स में ये चौथा फीचर नहीं है जो कि आपके काम का है, बल्कि यूट्यूब सर्च टैब के साइड में ही आपको सजेस्टेड वीडियो दिखेगी, जहाँ से ये पता चलता है कि आपकी वीडियो किस वीडियो के बाद सजेस्ट की जा रही है। अब मैक्सिमम वीडियोस तो वही होंगी जो कि आपने क्रिएट किया और उसके बाद आपका कंटेंट सजेस्ट हो रहा होगा, लेकिन स्टिल उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस ऐसे भी होंगी जो आपने क्रिएट नहीं की है, आपको इसी तरह की वीडियोस ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल, मेरे डाटा में मैं वॉइस ओवर वाली वीडियो के बाद सजेस्ट हो रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वॉइस ओवर से रिलेटेड कुछ भी वीडियो बनाऊंगा तो उस पर अच्छे व्यूज आने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो मुझे टॉपिक ढूंढने में ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है, जो डाटा कह रहा है बस वही करना है और इंप्रेशन अपने आप आ जाएंगे। नाउ मैंने आपको डाटा के हिसाब से टॉपिक ढूंढना सिखा दिया, यूनिक व्यूज को लाना सिखा दिया, रिटर्निंग व्यूज को सस्टेन करना भी सिखा दिया। इसलिए अगली स्ट्रेटेजी पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कोट बताऊंगा, जो जितना दिखता है वो उतना बिकता है। हो सकता है आपकी वीडियोस वगैरह सब अच्छे हो और आप कोई अच्छी सी स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो उस केस में आपको अगली स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, जो कि आपके व्यूज और वॉच टाइम को एकदम से बढ़ा देगी। ये स्ट्रेटेजी है कोलैबोरेशन। मिस्टर बीस्ट के पीछे 5 वीडियो में सिर्फ 100 मिलियन प्लस ही व्यूज आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने 50 यूट्यूबर्स को इंक्लूड करके वीडियो बनाई, बूम, इधर 2 वीक्स के अंदर 200 मिलियन प्लस व्यूज, और एक महीने में ये वीडियो बड़े आराम से 300 मिलियन व्यूज भी क्रॉस कर देगी। लेकिन आपको अपना काम चलाने के लिए 50 यूट्यूबर्स नहीं चाहिए, एक भी चलेगा। आपको अपनी निश का कोई एक यूट्यूबर देखना है जो कि सेम लेवल पे हो या फिर आपसे थोड़ा अपर लेवल पे हो। अगर आप उनसे क्रॉस कर पाए तो आपकी वीडियो पे बहुत सारे नए व्यूज आएंगे, आपको अच्छी खासी रीच मिलेगी और आपका वॉचर बहुत ही जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपके साथ क्रॉस क्यों करेगा? सिंपल सा रीजन है, तब जब आप उसका कुछ फायदा करवाओगे। और किसी भी बड़े यूट्यूबर को उसका फायदा दिखाने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना होगा वो होगा अपने चैनल को बेटर बनाना। अगर आपका चैनल बहुत ही ज्यादा नूब है या फिर अनऑप्टिमाइज है तो ऑब्वियसली कोई भी क्रिएटर आपके साथ क्लैब नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसका ही नुकसान होने वाला है। लेकिन वही अगर आपने क्वालिटी कंटेंट बना रखा होगा और आपका चैनल अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा और उसकी खुद की ब्रांड वैल्यू भी हो
होगी भले ही छोटे लेवल पे हो, तो ऑब्वियसली हर क्रिएटर आपके साथ कोलैब करना चाहेगा। अगर आप क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक बड़े क्रिएटर को ढूंढ के उसे एक ऑफर देना है। ऑफर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि उसको अपनी कोलैब वीडियो की अर्निंग देना या फिर उसको कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना जो उसे चाहिए लेकिन मिल ना रही हो, जैसे कि थंबनेल या स्क्रिप्टिंग या रिसर्चिंग या कुछ भी। या फिर आप एक दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं जो कि थोड़ा लंबा है लेकिन काफी ज्यादा इफेक्टिव है, रिलेशनशिप बिल्ड करना। अगर आप लोगों को दोस्त बनाते हैं तो उनसे काम करवाना बहुत ही इजी हो जाता है, लेकिन इस चीज में थोड़ा टाइम लगता है और आपके पास नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए इस काम के लिए। अब ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज तो नहीं सिखा सकता, ये तो आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी, बट मेक श्योर अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कोलैब किसी अपने नीश वाले बंदे से ही करना जिसके व्यूज या सब्सक्राइबर्स आपसे 3x हो, बस ऐसा ना हो कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स है और आप सीधे 100k वाले के पास पहुंच गए कोलैब के लिए पूछने के लिए, वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा आपके ऑफर में अंटिल आप उसको कुछ बहुत ही ज्यादा यूनिक ना प्रोवाइड कर रहे हो। सेकंड पॉइंट इज कोलैब आपको ऐसा नहीं करना है कि दोनों लोग मिलकर एक वीडियो बना लेते हैं, ये कोई इंस्टाग्राम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि कोलैब दोनों क्रिएटर्स को इक्वली फायदा दे तो एक वीडियो को दो पार्ट्स में बनाओ और दोनों पार्ट्स को अलग अलग चैनल पे डाल दो और वीडियो के स्टार्टिंग में और एंडिंग में मेंशन कर दो कि इसका पहला पार्ट दूसरे चैनल पे है और इसका दूसरा पार्ट दूसरे चैनल पे है। ऐसे दोनों लोगों को नई ऑडियंस मिलेगी और व्यूअर्स भी मिलेंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपने रिलेशन बना लेते हो किसी भी बड़े यूट्यूबर के साथ तो उसको किसी भी क्लैब के लिए फोर्स मत करना, ऐसा करके आप सिर्फ अपना रिलेशन खराब करोगे। लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप आपको काफी ज्यादा फायदा दे सकती है, तो स्टार्टिंग में उसे खराब मत कर लेना। और चौथा पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जब आप क्लैब कर रहे हो तो आपको ग्राफ में एकदम से एक स्पाइक दिखाई देगा जो कि एकदम से फिर नीचे भी गिरेगा अगर आपने अपनी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी होगी तो। मेक श्योर अगर आपने क्लैब किया तो उसके बाद आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, साथ में आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए जो आपने क्लैब वाली वीडियो में प्रोवाइड करी थी। हल्का सा क्वालिटी में जो आपके चैनल को डेड भी करवा सकता है। नाउ क्लैब करने से आपका काम रातों रात तो बन सकता है, लेकिन आप अगर दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं तो हमारे पास एक क्लास मेथड भी है बाजार बढ़ाने का। ग्रेड इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, लोग आपकी वीडियोस नॉलेज के लिए देखे ना देखे लेकिन अगर आपने वीडियो में कह दिया कि पूरी वीडियो देखने पे ईयरफोन मिलेंगे या फिर कुछ रिवॉर्ड मिलेगा तो आपकी ऑडियंस इस वीडियो को पूरा देखेगी ही देखेगी। एंड कैन यू इमेजिन आपका वाइब्रेंस व्यू ड्यूरेशन इससे कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने इस वीडियो में एक माइक गिव अवे करने का प्रॉमिस किया था एंड आप देख सकते हैं कि इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन नॉर्मल से कितना ज्यादा है। इस ट्रिक को आप भी इस्तेमाल कर सकते हो वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए, बट मेक श्योर ये आप ज्यादा ना करें क्योंकि ये चैनल को डेड भी करवा सकता है। और फेक गिव अवे करने की तो सोचना भी मत, छोटे से मुनाफे के लिए आप अपने रिस्पेक्ट खो बैठोगे मार्केट के अंदर। अगर आप कोई भी प्लेलिस्ट सीरीज बनाते हैं और उस सीरीज की हर एक वीडियो में गिव अवे का प्रॉमिस करते हैं तो वो सीरीज आपको काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम देगी, इतना कि एक महीने के अंदर आप आराम से 4000 वॉच आवर कंप्लीट कर लोगे। लेकिन मेक श्योर अगर आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हो तो कभी भी लास्ट में गिव अवे अनाउंस मत करना, हमेशा वीडियो के बीच में या एंड होने से 2 मिनट पहले अनाउंस करना, वो भी एकदम से। ऐसा लोग आपकी वीडियो को स्किप करके सीधा गिव अवे वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे और उनको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अब ये थी वो 5 स्ट्रेटजी जिनको फॉलो करके आप महीने भर के अंदर 4000 वॉच आवर बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ वार्निंग और सजेशन देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग की जो 3 स्ट्रेटजी थी वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी थी जिसको फॉलो करके आप कभी भी नुकसान में नहीं जा सकते, आज नहीं तो कल आपको फायदा होगा ही होगा अगर आपने स्टार्टिंग की 3 स्ट्रेटजी को फॉलो किया। अगर एक महीने में बहुत सारा कम्प्लीट नहीं भी होता है तो भी अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो 3 महीने के अंदर आपका चैनल रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। और मैं बार बार आप लोगों को 1 महीने की जगह 3 महीने पर फोकस करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि YouTube आपकी वीडियो को सही इंप्रेशन देने के लिए मिनिमम 3 महीने लेता ही लेता है अंटिल आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपलोड ना कर रहे हो। तो इस चीज को इवन टेस्ट करने के लिए मैंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, मैंने एक नया चैनल बनाया था और उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो अपलोड कर दी थी जो कि उस टाइम पे ट्रेंडिंग भी थी, लेकिन वो वीडियो नहीं चली, उस पे कुछ भी व्यूज नहीं आए और फिर मैंने उस चैनल पे कुछ भी नहीं किया, इवन मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास वो चैनल है भी। लेकिन 3 महीने बाद मुझे एकदम से काफी सारे नोटिफिकेशन आने लग गए थे और जब मैंने उन नोटिफिकेशन को देखा तो मुझे पता चला कि उस वीडियो ने 5000 व्यूज से भी ज्यादा गेन कर लिए थे। अगर आप 3 महीने कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको ग्रो होने से तो कोई नहीं रोक सकता, बट अगर आप 3-4 महीने से पहले ही गिव अप कर देते हो तो आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि उस चैनल से आप कितना कुछ अचीव कर सकते थे। इसके सिवाय मैंने जो लास्ट की 2 ट्रिक्स बताई है वो सिर्फ तभी इस्तेमाल करना अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है और आप अपनी ऑडियंस को रिटेन कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो जो लोग सिर्फ कोलैब की वजह से या गिव अवे की वजह से आपके चैनल पे आए हैं वो आज नहीं तो कल आपको छोड़ के चले जाएंगे, जिससे आपका चैनल का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा और आपका चैनल कहीं ना कहीं डेड हो जाएगा और उसे वापस से नॉर्मल करने में काफी मेहनत लग जाएगी। यही कुछ वार्निंग्स और सजेशन थे जो मैं आपको देना चाहता हूँ। बेस्ट यही होगा कि आप 1 महीने के अंदर सब कुछ करने की बजाय 3 महीने का टारगेट लेके चले और उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। ना हो सकता है कि आपकी वीडियोस अच्छी हो और उस पे स्टिल व्यूज और इम्प्रेशन ना आ रहे हो, तो इसके पीछे का रीजन आपकी वीडियो डालने का तरीका भी हो सकता है। तो अगर आपको व्यूज नहीं खोने हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप सही तरह से वीडियो अपलोड करके और भी ज्यादा टॉप पे रैंक कर सकते हो और भी ज्यादा व्यूज गेन कर सकते हो।